जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार छोटा ट्रेडर में। तो दोस्तों, हर रोज की तरह आज भी हम यहाँ पे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अलावा फिर निफ्टी की भी एनालिसिस वीडियो आप सभी के बीच लाए हैं, जो कि मंडे के लिए होने वाली है। मंडे को किस प्रकार से फिर निफ्टी में आप मुनाफा कमा सकते हैं, अभी तक अगर आप लॉस करके बैठे हुए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप मेरा लाइव ट्रेडिंग सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं लाइव आता हूं और आप सभी के साथ जो है अपनी ट्रेड्स भी शेयर करता हूं, साथ ही साथ लेवल भी बताया करता हूं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, एनालिसिस वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें बहुत सारी लर्निंग आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे, प्राइस एक्शन बेसिस पे कंप्लीट या लेवल्स मैं यहाँ पे बताता हूँ आप सभी को। हालांकि जब लाइव आता हूँ तो 12 बजे के बाद लाइव आता हूँ इसी चैनल के माध्यम से, तो आपको नोटिफिकेशन बिल जरूर ऑन करके रखनी होगी, तभी आपको नोटिफिकेशन पहुंच पाएगी। अदरवाइज मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाली लिंक पे क्लिक करके आप मेरा फ्री टेलीग्राम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल भी बने हुए हैं, तो फेक चैनल से सतर्क रहिएगा, फेक चैनल मत ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आप सभी से पैसे की डिमांड की जा सकती है। मैं आपको बताऊं, मैं आप सभी से ना तो एक भी पैसा लेता हूं और ना ही इन फ्यूचर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी सारी चीजें मैं डिलीट कर रहा हूँ। लाइव मार्केट में तो मैं 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं फिन निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लगाया हुआ है। ये tv.dhan.co यानी कि ट्रेडिंग व्यू पे, धन के ट्रेडिंग व्यू पे मैंने ये चार्ट ओपन करके रखा है। धन का प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू है, मैं फ्री में चला पा रहा हूँ, फ्री में यूज कर पा रहा हूँ। आप भी अगर प्रीमियम ट्रेडिंग व्यू का सब्सक्रिप्शन फ्री में पाना चाहते हैं तो सिंपल फ्री में ही आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन में। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके अगर आप ओपन करते हैं तो आपको अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज जो आपसे लिया जाता है वो नहीं लिया जाएगा, यानी कि MC चार्ज बिल्कुल फ्री है। और यहां तक आपको अकाउंट ओपनिंग चार्ज भी कुछ भी नहीं लिया जाएगा आपसे, वो भी बिल्कुल फ्री है। और अगर आप ब्रोकरेज चार्ज की बात करें तो 20 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है, अगर आप मेल हैं तो, ठीक है। अगर आप फीमेल हैं तो ब्रोकरेज चार्ज पे 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाता है, यानी कि 10 रुपए पर ऑर्डर के हिसाब से ही आपसे ब्रोकरेज चार्ज लिया जाता है। तो आप तुरंत अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन में और ट्रेड कर सकते हैं, लर्निंग कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल चीज पे प्राइस एक्शन बेसिस पे मैं आपको चीजें बताऊंगा। मैंने आपको बताया था कि अगर इस लेवल में मार्केट आती है तो एक बार यहाँ पे आई है, इस रेंज को क्रॉस नहीं कर पाई है, फिर से इसके नीचे आई है। तो 2 तारीख को जो ओपनिंग हुई थी इसके बारे में मैंने बताया था कि इस रेंज में रहेगी तो मार्केट नीचे आएगी और यही सपोर्ट लेके फिर से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और फिर दोबारा से यहाँ पे आप देख रहे हैं यही रेजिस्टेंस से फिर से वापस आई है। अब क्या फिर से ऊपर जाएगी या फिर ऊपर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके फिर मार्केट ऊपर चली जाएगी या फिर सपोर्ट लेवल को ब्रेक करके नीचे चली जाएगी, 2 में से 1 चीज होने वाले हैं। लेकिन होगा क्या, कुछ भी हो मार्केट में, अगर मेरा व्यू एकदम क्लियर है, अगर मैं ये सोच के बैठा हूं कि मार्केट जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगी हमें उस डायरेक्शन में प्रॉफिट बुक करना है तो हम प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अदरवाइज मार्केट में जिद नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, जिद से मार्केट नहीं चलती है, मार्केट को आगे आगे चलने देना चाहिए, पीछे पीछे हमें भी चलते रहना चाहिए। अगर हमने कॉल की पोजिशन बना ली है तो हमें यह नहीं कहकर बैठना है कि अरे अभी तो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, हो सकता है अब यहां से ऊपर जाएगी, यहां से ऊपर जाएगी, यहां से ऊपर जाएगी, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि हम ऑप्शन बायर हैं और ऑप्शन बायर का लगातार प्रीमियम डिके होता रहता है। कई बार 300-300 रुपए वाली प्रीमियम आप 30-30 रुपए में भी नहीं बेचते हैं इसके सहारे कि ये प्रीमियम थोड़ा सा ही बढ़ जाए, 50 रुपए ही चला जाए, 100 रुपए ही चला जाए, आधा ही कवर हो जाए, इस चक्कर में आप वो 30 रुपए भी नहीं बचा पाते हैं और प्रीमियम वो 0.05 हो जाता है और आप सर पे हाथ पटक के रह जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि आपको होल्ड नहीं करना है किसी भी कंडीशन में, आपको स्टॉप लॉस प्रॉपर तरीके से लगाना है, BTST नहीं करनी है, आपको इंट्राडे बेसिस पे जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो करना है और ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, एवरेज नहीं करना है। ये सारी चीजें अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में फॉलो करते हैं तब तो प्रॉफिटेबल होंगे, अदरवाइज लॉसेज मेरे दोस्त यहाँ पे बड़े बड़े लोगों के हो जाते हैं, तो आप या हम तो एक छोटे से ट्रेडर हैं। हालांकि हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मैं आपको यहाँ पे एक लेवल दिखाऊंगा, वो लेवल है 485 के आसपास का, जो हमारा एक बेहतर रेजिस्टेंस लेवल का काम करेगा। इसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करता हूँ, रेट्टी के लेवल पे
फॉर्म कर देता हूं। इसके नीचे जो मार्केट रेजिस्टेंस बना रही थी वो एक रेजिस्टेंस लेवल मुझे यहां पे देखने को मिलेगा, उस पर भी हम थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन की मदद से मार्क कर लिया है। और इसके बाद जो इसके आसपास का लो है ये वाला एरिया भी हमने मार्क कर लिया, और ये वाला जो अभी तक का लो था ये मार्क कर लिया। अब देखिए इसी में जो है सारा खेल छुपा हुआ है, बशर्ते आपको समझना क्या है। समझना ये है कि यहाँ पे मैंने चार लेवल आप सभी को बताए हैं, सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस बेसिस पे, प्राइस एक्शन बेसिस पे ये लेवल है। बैकएंड में जाके मैंने तमाम सारे चार्ट पढ़ा है, रीड करा है, देन उसके बाद में आप सभी को ये चीजें प्रोवाइड करा रहा हूँ। देखिए 19,440 से लेकर के और नीचे 19,320 के बीच में अगर मार्केट रहती है तो इसी रेंज में एक दो बार और मूवमेंट कर सकती है। अब ऊपर जाएगी क्या, इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो मार्केट ऊपर जा सकती है? जरूरी नहीं है। ऊपर मुझे एक और रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, वो मिलेगा 19,480 का रेजिस्टेंस, जो कि मैंने ये वाली लाइन ड्रा करके रखी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो कॉल साइड में हम तब बैठेंगे जब मार्केट जाएगी 19,400 के ऊपर ट्रेड करेगी, और हम टारगेट क्या ले सकते हैं, टारगेट ले सकते हैं 19,550 के आसपास का हम टारगेट ले सकते हैं, और इसके बाद ये 50 के बाद फिर हम 19,600 का टारगेट भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे आपको लेवल लगा के दिखाते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन लिया मैंने, 600 के आसपास मैंने एक लेवल पुट किया कुछ इस प्रकार से, और बीच में एक जो मुझे लेवल दिख रहा है वो 550 के आसपास में दिख रहा है, हालांकि ये थोड़ा वीक है तो इसको मैं थोड़ा वीक कर देता हूँ। अब देखिए, अब मेरे कहने का मतलब है कि बुलिश मार्केट तब होगी जब इस लेवल के ऊपर जाएगी, और ये लेवल 19,480 का, जब तक इसके ऊपर मार्केट नहीं जाती हम कॉल साइड में एंटर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट यहां से भी नीचे आई है, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है। अगर 19,440 के लेवल को ऊपर साइड में ब्रेक कर देता है तो हम ये नहीं समझेंगे कि इस लेवल को ब्रेक कर दिया, ब्रेकआउट हो गया, क्योंकि ऊपर भी मुझे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है। तो ये रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट हो अच्छी तरीके से तब हम बुलिश होंगे, अदरवाइज यहां से भी मार्केट नीचे आ सकती है, और जब नीचे आएगी तो क्रमशः यही लेवल आपको पुनः देखने को मिलेंगे। सेम अपोजिट, लगभग सिमिलर डायरेक्शन कह सकते हैं, थोड़ा सा अपोजिट रहेगी। अगर यहां पे मुझे मार्केट दिखती है तो यहां से ऊपर जा सकती है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेकडाउन देती है तो 19,320 का ये लेवल है, तो मैक्सिमम 19,280 के आसपास का लेवल डाउनसाइड में आपको देखने को मिल सकता है। यहां से फिर से बुलिश हो सकती है, क्योंकि मार्केट देख रहे हैं कि यहां पे एक हैमर कैंडल बनाने के बाद में, या फिर इसे कुछ लोग कोई और नाम से जानते हो वो अलग की बात है, लेकिन इस कैंडल को कोई हैमर कहता है, कोई शूटिंग स्टार, दुनियादारी, कुछ भी हो, ये एक विशेष रूप से कैंडल होती है जिस नाम से भी आप जानते हो। तो यहाँ पे एक डिमांड जोन था, इस डिमांड से जो है मार्केट ऊपर गई है, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर नीचे आई, अब यहां से अगर ऊपर जाती है तो आपको मैंने बताया कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद में ये भी ब्रेक करेगा, तब मुझे कॉल साइड की कंफर्मेशन मिलेगी, अदरवाइज यहां से भी नीचे आ सकती है। सेम इसी तरह से 19,320 का ये जो लेवल है अगर ब्रेक करता है तो 19,280 का भी सपोर्ट मिलेगा, यहां से मार्केट ऊपर बूम कर सकती है। अगर नहीं करती है तो 19,280 के नीचे जब मार्केट आती है तो मुझे डाउन साइड के टारगेट मिलेंगे, यानी कि हम फिर पुट साइड में एंटर कर सकते हैं। चार्ट को छोटा करते हैं और आपको हम टारगेट बताने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। आपको सीधा 80 पॉइंट का टारगेट मिलेगा डाउन साइड में, और इसके नीचे फिर आपको फिर 70-80 पॉइंट का, फिर 100 पॉइंट के आसपास का मिलेगा लेवल। यानी कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है एकदम स्पष्ट रूप से कि मार्केट जब 19,280 के नीचे आई है तो यहाँ पे 19,200 से फिर से मार्केट ऊपर की तरफ बुलिश कर गई है। तो पहला टारगेट पे यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए अगर आती है। जब मार्केट इसके नीचे जाती है तो हम फिर से 19,120 के लेवल के लिए बैठेंगे और यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग हम कर लेंगे, क्योंकि यहां से भी देख सकते हैं मार्केट ऊपर की तरफ गई है धड़ल्ले से, यहां से बुलिश हुई है। ठीक है, तो इस तरीके से डाउन साइड के और अपसाइड के दोनों टारगेट आप सभी को समझ में आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई सुधार होता है तो वो भी आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों कई सारे लोग मैसेज किया करते हैं कि सर आप कौन सा ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं और किस प्रकार से एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल चार्ट्स लगाते हैं। तो मैं आपको बताऊं, मैं फिर से कहना चाह रहा हूं कि मैं धन का ट्रेडिंग व्यू यूज कर रहा हूं और एक ही स्क्रीन पे मल्टीपल यानी 8 चार्ट तक लगा सकते हैं डिफरेंट टाइप के। यहाँ पे मुझे लेआउट वाला सेक्शन मिल जाता है और तमाम प्रकार के हैं, मतलब 8 चार्ट लगा सकते हैं।
अलग अलग प्रकार के, साथ ही साथ मैक्सिमम इंडिकेटर से यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे बाइंग सेलिंग भी कर सकते हैं। राइट क्लिक हम यहाँ पे करते हैं, ऑप्शन चेन का डेटा हमारे सामने खुल के आ जाता है। ऑप्शन चेन के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने अलग अलग एक्सपायरी के अलग अलग प्रीमियम्स, कॉल साइड, पुट साइड, सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। जिस स्ट्राइक प्राइस में हमें बाइंग करनी होगी हम यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, सेलिंग कर सकते हैं, उसका पर्टिकुलर चार्ट भी देख सकते हैं। तो तमाम सारी सर्विसेज आपको फ्री में मिल जाया करती हैं। इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है, धन के तमाम ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडर के लिए स्ट्रेटजी बिल्डर जो कि 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 रुपए पर मंथ सब्सक्रिप्शन चार्ज आपको पे करना होता है, तो वो यहाँ पे बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। स्ट्रेटजी बिल्डर फिर निफ्टी में, निफ्टी बैंक में, निफ्टी 50 में, कहीं पर भी अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। इस पे मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, ये बिल्कुल फ्री आप यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडर वेब पे ओपन कर सकते हैं, इस पे भी मैंने डिटेल में ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। आई बटन पे यहाँ पे लिंक मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, तो जरूर देखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, आपका भाई आपके लिए 24 घंटे सेवा में हाजिर है। बशर्ते आप हमें सपोर्ट करते रहिए, पैसे किसी को ना दीजिए, ना किसी को देने दीजिए, क्योंकि मैं और ना मेरी टीम किसी को मैसेज करती है और ना ही कॉल करती है। तो ये चीज जरूर आप सभी लोग समझ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, धन डीमैट अकाउंट अगर ओपन कर लेते हैं अपना, तो 10 तारीख के पहले अगर आप एक्टिव करके मुझे मैसेज डाल देते हैं तो मैं आपको लर्निंग ग्रुप में भी, फ्री लर्निंग ग्रुप में भी ऐड कर दूंगा, धन समर के नाम से जो कि ग्रुप है फिलहाल अभी वो। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू।